फ्रेंड्स, मैंने एक बाउल में साबूदाना ले लिया है। अब इस साबूदाने का क्या करना है, हमें इसको हमें सबसे पहले धो लेना है। तीन चार बार इसे हम धो लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी स्टार्च होता है वो निकल जाएगा धोने से। उसके बाद हम इसे भिगोएंगे। अब इसे हम धो लेंगे। तीन चार बार धोने के बाद मैंने साबूदाने को भिगो दिया है। अब इसे हमें 2 घंटे तक भिगोना है। अब 2 घंटे के बाद इसका हम पानी निकाल देंगे। साबूदाना 2 घंटे भीग चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे छान देंगे। जो भी इसमें पानी है वो सारा निकाल देंगे। और फिर क्या करेंगे, हम ओवरनाइट ऐसे ही इसे रहने देंगे, क्योंकि इसमें इसकी जो नमी है ना, तो रात भर में ये और अच्छे हो जाएंगे नमी नमी में। फिर सुबह हम बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बनाएंगे तो खिचड़ी जो हमारी बिल्कुल खिली खिली बनती है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। तेल हमें बहुत ज्यादा भी नहीं डालना, क्योंकि नहीं तो ज्यादा डालते हैं तेल तो चिपचिपी सी बन जाती है हमारी खिचड़ी। तो हमें नॉर्मल सा ही हमें तेल डालना है। तब इसे हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो मैं उसमें इसमें कुछ डालूंगी नहीं, ना हिंग जीरा वगैरह डालूंगी, ना कड़ी पत्ता डालूंगी। तो अगर आपको टेस्टी बनानी है तो आप इसमें टमाटर प्याज भी भून के डाल सकते हो, हिंग जीरा डाल सकते हो, कड़ी पत्ता डाल सकते हो। तो मैं तो इसमें अब क्या है, थोड़ी सी मूंगफली फ्राई कर लूंगी। थोड़ी सी कच्ची मूंगफली है, थोड़ी फ्राई हो जाएंगी। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें मैं एक उबला आलू डाल दूंगी, ये मैंने कट कर लिया है। इसे भी थोड़ा सा तल लेते हैं हम। अब इसमें थोड़ा सा हम सेंधा नमक डाल देंगे। और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम साबूदाना डाल देंगे। रात भर मैंने इसे छलनी पर ही रहने दिया, और छलनी की वजह से इसका जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो निकल गया और इसमें नमी भी बनी रही, क्योंकि 2 घंटे हमने पानी में भिगोए थे ना, उसके बाद रात भर हमें ऐसे ही छोड़ना होता है, तो एक एक दाना खिल जाता है। अब मैं भी इसे कढ़ाई में डाल दूंगी। अब इसे मिला लेंगे हम अच्छे से। लास्ट में क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे, इससे क्या
खिल जाएगी ये। देखिए साबूदाना खिचड़ी हमारी बिल्कुल खिल गई है और आंच को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक आधा सा नींबू डालेंगे और गैस को बंद करके इसके ढक्कन को लगा देंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया है और मैं इसके ढक्कन को थोड़ी देर बंद कर दूंगी। तो थोड़ी देर बाद हम इसकी सर्विंग करते हैं। अब हम इसकी सर्विंग कर रहे हैं। देखिए कितनी खिली खिली हमारी ये खिचड़ी बनी है। देखिए कितनी अच्छी रेसिपी हमारी बन गई है, एकदम साबूदाना खिचड़ी खिली खिली बनी है। तो इस तरह से आप भी व्रत में साबूदाना खिचड़ी बनाइए और बताइए कि आपकी खिचड़ी कैसी बनी। और मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।